तो भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कोनिचुआ। और आ गए हम लोग फिर से एक बार। आज हम लोग जा रहे हैं ओसाका, और लगभग ओसाका में ही है ये। देखिए पार्किंग में, रेस्ट एरिया में है। तो हम लोग लगभग निकले घर से 5 बजे, और हम लोग जा रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका का वीज़ा लगाने के लिए। क्योंकि हमने सोचा कि चलो यार अमेरिका का भी ट्रिप लगा के आते हैं, उसका भी व्लॉगिंग करेंगे। तो अमेरिका का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दुआ करना हमारे लिए कि हम लोग पास हो जाए और हमारे पासपोर्ट पे लगे 10 साल का थप्पा। तो यार रेस्ट एरिया में रुके और अभी कॉफ़ी लेंगे हम। ये देखिए फ्रेश कॉफ़ी मशीन बना कर देंगी हमें। कौन सी पियेंगे आप? कैपुचिनो। तो भाई कैपुचिनो पी रही है वो, कोई लक के लिए, क्योंकि वो नर्वस है अमेरिका के इंटरव्यू के लिए। क्या बोलना चाहोगे आप अमेरिका के इंटरव्यू के लिए? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा हमको। इंशाल्लाह मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। जाएंगे उनके देश में, पैसा खर्चा करेंगे तो देना होगा उन्हें। तो ये देखिए कॉफी बना रही है आफरीन, मेरा मतलब है मशीन कॉफी बना रही है, हम तो सिर्फ पैसा डाल रहे हैं अंदर। ये 1000 की नोट। मैं तो बोलूं अमेरिका जा रहे तो अमेरिकन कॉफी ही पीता हूं। ये देखो अंदर गई, और ये अमेरिकन कॉफी ब्लैक वाली। ये देखिए अमेरिका एम्बेसी जा रहे हैं, अमेरिकन कॉफी पीना पड़ेगा वरना गुस्सा कर जाएंगे अमेरिकन लोग, गोरे लोग। तो पीते कॉफी और चलते। अच्छी है, कड़वी है हमेशा की तरह। हम लोगों ने सोचा क्यों ना फायदा उठाए और यहाँ से कोई नज़दीक ओसाका में जो घूमने फिरने की जगह हो वहाँ पर चले, ब्लॉग निकालने का फैसला किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं। तो भाई लोग, हम लोग ने पूरी तैयारी कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं US एम्बेसी में अपना वीज़ा जमा कराने के लिए। ये फॉर्म जो DS-160 का B1-B2 वीज़ा वाला जो फॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन भरना है और इसकी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करनी है। और इसका आप लोग, आपको फिर अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं ये लोग, या आपको तारीख बताते हैं, फिर आपने अपना जो पासपोर्ट और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है और जो फॉर्म है DS-160 का, वो ला के इनको इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू देने के बाद ये 1 हफ्ता लेते और 1 हफ्ते में आपको जवाब दे देते, तो देखते हैं क्या बनता है। तो वीज़ा लेने के बाद हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम ओसाका आए तो इसका फ़ायदा उठाए। और बिल्कुल ठीक में एक नारा डियर पार्क है जहाँ पर हिरने घूमती है, आसपास में हिरने घूमती है, हम उसे बिस्किट, डियर क्रैकर जिसे कहते हैं, वो भी खिला सकते हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, बच्चों को जाना है उधर बहुत दिन से, तो चलते। तो ये आ गई हमारी जोया, और जोया आप एक्साइटेड हो? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को बहुत मजा भी आ रहा है। आप क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं हिरन को खाना खिलाने आई हूँ और हिरन को देखने आई हूँ। दादा बहुत आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप हिरन को खिला सकते हो खाना? हाँ। रेहान, हम लोग हिरन को खाना भी खिला सकते और उसको उसको पका के भी खा सकते, खुद भी खा सकते हैं। ये लेट्स गो। तो ये आ गई है पहली हिरन और जारा भाग रही है, जारा खाना नहीं खिला रही है। ना लो लो, मैं खिलाता हूँ अच्छे से। नहीं नहीं, ये देखिए ये हाथ से खिलाओ बेटा। हाँ ऐसा, छोटा नहीं, हाँ ऐसा। मम्मी पीछे और लोग ये डर रहे हैं, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। ये देखिए ऐसा खिलाते यार, तुम लोग भी चलो आगे जाके खिलाते। और ये तो बहुत डर रहे हैं बच्चे लोग,
चल 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 ये आ गई है। अरे ला खिला दे खिला दे। हाँ क्या डरता है यार। हाँ दारा देख कैसा खिला दे। ऐसा ऐसा क्यों क्यों क्या हुआ। अरे मेरे पीछे हाथ कम मिल रहे हैं। ये देखो कितना प्याला है। ए उन लोग ऐसा कर रही का तो करो। हाँ अरे का तो कर रहे बोल खड़े हो। नहीं नहीं मैंने अपनी जिंदगी में इतना नजदीक से नहीं देखी इसको। अरे बाप रे सनी घर पे चलो। सनी ये तुम्हारा पीछा कर रहा है कितना खाएगा इसने। इसने बहुत खाया मालूम। सारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गर्ल। अरे ये किया तुमको ये किया। अल्लाह कितना प्यारा ये शरीफ है रे बेचारा। बहुत खाया इसने सारा। और खिलाना है एक खिला दो। अच्छा लगा नमकीन ना वो माजू ही खा रहे खाना दे रहे अल्लो को। और अरिगा तो बोल अरिगा तो बोलो अरिगा तो बोलो जरा अरिगा तो बोल उसको अरिगा तो बोल। सने पीछे थैली में तो वो हाथ डाल रहा है। वो हाथ डाल रहे है। अल्लाह कितना प्यारा मांग रहा है ऐसा करके। मम्मी बेचारे को ये अंगूठी लग रही है। ला मेरे को दे दे अंगूठी। डरता है ले डर गया। नहीं डरा रे नहीं डरा नहीं डरा। जरा हटो जरा हटो। अरे मेरे को तो बिस्किट खिला दे दो। जरा हट जाओ पा। नहीं हिरन से अभी डर लग रही है। वो वाली हिरन से नहीं लग रही हम लोग को बता। जरा हट जा ये हिरन गंदा है मम्मी। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने हिरन को क्रैकर्स खिलाया डियर क्रैकर्स और बड़े प्यारे वो लोग। स्टार्ट स्टार्ट में बच्चे डर रहे थे लेकिन अभी कंफर्टेबल हो गए। ये देखिए हिरन बड़ा प्यारा सा हिरन है। कर 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 नहीं जरा चल आ जा। नहीं नहीं ज़्यादा दूर मत जा बवाल मत कर। तो भाई ये लेने के बाद डियर क्रैकर लेने के बाद कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। हिरन पूरा घेर लेती है हमें। तो भाई अगर आप लोग को छुटकारा चाहिए तो हाथ ऊपर करके ऐसा चलने का तो वो पीछे नहीं आते वरना ऐसे पीछे पड़ जाते। देखिए जरा जा प्यार कर दे इसको। कैसा चल रहा है डरावना है पर बहुत अच्छा है। मुझे डर लग रही है कुछ ज्यादा ही डर रही हो तुम क्या हो गया। अरे वो लोग कुछ भी हाथ में देख के भग भग के आ रहे। मेरे को तो ऐसा चलना पड़ रहा है पूरे रास्ते। नहीं है भाई नहीं है नहीं है नहीं है। गो गो गो। अच्छा जैसे हाथ ऊपर करते तो लोग चले आते ना। चले आते नहीं है फिनिश। मैं पूरे जगह पे सर ऐसी ही चलूंगी। नहीं तो भाई कुछ इस तरह का था यहाँ पे नारा डियर पार्क। ये देखिए हम लोगों ने तो हमारे डियर क्रैकर्स लेके आए थे वरना आपको यहाँ से 200 रुपए का 200 येन का जो है वो खरीद के खिलाना पड़ेगा। 200 येन का हम लोगों ने थैली भर के लाके उनका पूरा पेट फुला दिए और हम लोगों ने नमकीन वाला लेके आए थे
तो एक अंकल जो बेच रहे थे डियर क्रैकर्स वो गुस्सा भी कर गए कि आप लोग अपना लाके नहीं खिला सकते, लेकिन फिर भी हमने छुप छुप के उनको खिला दिया। और भाई जो डियर को हम लोग खिला रहे थे नमकीन वाला, वो हमारे पीछे पड़ गए, क्योंकि यार ये जो बेच रहे 200 इनका उसमें स्वाद नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे इसमें नमक था, स्वाद था। तो इन्जॉय किया हमने इधर पे, मज़ा आया। और अभी हमारे नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते, काफ़ी भूख लगी है, लंच टाइम भी हो चुका है। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप नरा में आएंगे ओसाका की तरफ जो है, तो आप लोग को ऐसा टेम्पल यहाँ पर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत सा टेम्पल है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं हिरन जो डियर है वो घूम रहे हैं, तो जगह जगह पे घूम रहे हैं डियर। और नरा में आएंगे तो इस किस्म का गोल्ड टेम्पल देखना तो बनता है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और किधर जा रहे हैं, कोबे की तरफ। अब हम जाएंगे कोबे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और भूख बहुत लगी है तो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कोई क्रैब बुफे बोल रहे हैं, और वो 4 बजे से इवनिंग में डिनर सिर्फ मिलता है वहाँ पर, तो 4 बजे तक वेट करना होगा, तब तक यहाँ वहाँ घूमते और ब्लॉगिंग करते हैं। तो भाई साहब अभी अभी हमें ईमेल आई है, तो जो हम लोग काम यहाँ पे करने आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अप्रूव हो गया है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग ज़रूर जाएंगे अमेरिका। अच्छा वीज़ा होता ही है, 10 साल का मल्टीपल वीज़ा, आपको जब जाए आप जाओ आओ, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस कामयाबी पर हम थोड़ा सी कुछ अच्छा खा पी ले, सेलिब्रेट करें। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं अभी, क्या नाम है उसका, फिशरमैन कोबे में जा रहे हैं, जहाँ पर बूफे है सी फूड से लेके हर चीज़, पिज्ज़ा पास्ता और ख़ास करके क्रैब्स है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं वहाँ का ब्लॉगिंग। तो ये देखिए भाई, ये रेस्टोरेंट है, चार बजे से खुलने वाला है, और हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर इसके खुलने का और उस पर झपाटा मारने का। ये आफरीन छिल रही है झींगे, और सीधा जा रहा है रियान के मुंह में। बड़ा कमाल का रेस्टोरेंट है ये, देखिए जारा भी एंजॉय कर रही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं जोया, मजा आ रहा है।
तो ये भाई आपका हो गया सैलेड बार। कौन सा चाहिए? सुशी लेमन चाहिए। सुशी नहीं चाहिए ज़ारा? ये देखो सुशी, देखो कैसे बाहर आ रही है। नहीं चाहिए सुशी? तो ये सुशी है, यहाँ पे सैलेड बार है और इसके बाजू में अपना मेन आइटम केकड़े क्रैप्स। क्या बात है। ये भाई फुल कोर्स लेके आ गए टेबल के ऊपर। एंजॉयिंग सोया बहुत। ये देखिए, ये देखिए क्रेप्स। बहुत जबरदस्त है भाई, सबको आना चाहिए अभी। ये देखिए एक नंबर। तो ये देखिए भाई हमारा रेहान क्या एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है, केकड़े खा रहा है, झींगे खा रहा है। अपनी मजा आ रही है? बहुत मजा आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए भाई आज तो नदी के सारे केकड़े खत्म हो जाएंगे। मेरी पूरी प्लेट खाली हो गई, मैंने इतना खा लिया। फाउंटेन है चॉकलेट। तो भाई सिर्फ खाने में नहीं, आप देखो यहाँ पे डेजर्ट में भी बहुत चीज खा सकते हैं। ये देखिए एक से एक चीज है यहाँ पर। और जोया बहुत एक्साइटेड है। क्या मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। वाव ये चिप्स नहीं लगाते जोया। गरम चॉकलेट टेस्टी थी। आइसक्रीम खाएंगी? हाँ। ये देखिए इतना सारा आइसक्रीम भी है यहाँ पर। जोया ये खाएंगी पुडिंग? हाँ पुडिंग तो मेरे भाई बेटे वो खाए बिना मैं जाऊंगी नहीं। लो। अच्छा आप इन डेजर्ट का प्लेट कब बना रही है? अभी तो और खेकड़ा खाऊंगी मैं। तो ये रहा खेकड़ा। तो भाई ये देखिए हमने जाके डेजर्ट भी लेके आए, कुछ इस तरह का डेजर्ट है ये है। और ये आइसक्रीम पुडिंग है। और ये देखिए कुछ इस तरह का प्लेट सजा हुआ है यहाँ पर। बहुत शानदार रेस्टोरेंट है। तो हम लोग खाएंगे अभी आइसक्रीम पुडिंग। बहुत ज़बरदस्त है आइसक्रीम पुडिंग है। एक नंबर। होप करते हैं, आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आए। पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ध्यान। बाय बाय। बाय बाय।